तकलीफ आती है किसी चीज़ की परेशानी। अभी इस समय में क्या करोगे फिर, मान लो तुम इस दोनों समय पैसे में निकाल दिए? सर ये करना चाहता है कि लॉकडाउन के इस समय Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. सर मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और काम करता हूँ, मैं सोनी कंपनी के अंदर काम करता हूँ और अच्छा पैसा कमाता हूँ और मैं इसकी मतलब जो रखते हैं वो सारी सहायता करूँगा और मैं इसको अपने पास रखूँगा और इसकी जो भी ज़रूरत है वो उठाने के लिए मैं तत्पर हूँ। पिताजी ने क्या शिकायत रखी? जी सर इनके पिताजी की शिकायत ये है कि मैं इसको उठा के ले गया जबकि लॉकडाउन चल रहा था, मैं तो घर से भी नहीं निकला था, ये सुबह मेरे घर पर आई थी 9 बजे और मैं उठा ही था और उठने के बाद इसने मुझे बोला कि भाई मैं अपने पिताजी के पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे ज़बरदस्ती करोगे तो ये एक तो ब्लेड होती है, ब्लेड लेके आई थी और टेबलेट लेके आई थी पता नहीं कौन सी, तो बोले कि मैं जहर खा के मर जाऊँगी, अब निकलेगी तो मेरी लाश ही निकलेगी उस घर से, तो अब मैं उसको कैसे निकलने देता। तो मैंने इसको समझाया, मेरे पास थाने से भी फ़ोन आया था कि भाई तेरे खिलाफ़ FIR हो गई है और तू लड़की तेरे पास है या नहीं है, तो उस टाइम में मेरे पास थी नहीं, मैंने उनको यही कहा कि अगर जैसे ही लड़की मेरे पास आती है तो मैं आपको सबसे पहले सूचित करूँगा। देन हुआ यूँ कि जब ये आई मेरे पास तो मैंने बोला कि एक बार परिवार वालों से रजामंजी कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो फैसला होता है अपन कोर्ट में जाके या थाने में जाके जहाँ पे भी आपके पापा और मम्मी है वहाँ बात कर लेते हैं, भाई अगर अभी तू जाना चाहती है तो ठीक है तो चल जा, आफ्टर लॉकडाउन अपन शादी कर लेंगे, लेकिन ये नहीं जाना चाह रही। जी सर जाति को लेकर कोई मामला? जाति को लेके ये विशेषकर इसके पिताजी बोलते हैं कि हम जिस थाली में तुम लोगों को खाना खिलाते हैं वो थाली हम घर के अंदर नहीं रखते हैं, तो मैं अपनी बेटी कैसे दे दूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर मुझ में कोई ख़राबी है या मुझ में कोई ऐब है तो वो बताओ, मैं कमाता नहीं हूँ या मेरे लड़कीबाजी करता हूँ, भाई शादी ही तो करना चाहता हूँ, भगा के थोड़ी ना लेके गया है आपकी बेटी का, दुरुपयोग थोड़ी ना किया मैंने। सर प्रभाकर जोशी नाम है मेरा और पूजा गोयल नाम है। सर मैं रहता हूँ राहुल नगर बड़ी नागपनी के अंदर, ये ज्योति नगर में रहता हूँ। सर हमारा रिलेशन 10 साल होने को आ गया, कॉलेज में मिले थे, स्कूल टाइम से ही है सर और कॉलेज टाइम में हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये छोटी जाति के हैं, इनके घर का पानी भी नहीं पी सकते और हम अगरवाल हैं तो हम अपनी बच्चे की शादी इस घर में नहीं कर सकते हैं, तो मैं जाति पाति को नहीं मानती हूँ और ये मैं इनको पसंद करती हूँ और इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ और फिर मेरे माँ बाप अगेंस्ट है। थाने पे क्यों आए? क्योंकि पुलिस लेके आई है, इन्होंने क्योंकि FIR कराई, मेरे फादर ने FIR कराई है इनके खिलाफ कि गुमशुदा कर दिया है। मैं इनको उठा के लेके चला चुका है। देखिए साहब कार्रवाई के लिए पूछे तो बात ऐसी है कि बड़ी नागफणी के रहने वाले हैं अशोक गोयल, सन ऑफ स्वर्गीय श्री प्रहलाद जी गोयल, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि मेरी लड़की कहीं चली गई है, लड़की का नाम है कुमारी पूजा, डॉक्टर ऑफ अशोक कुमार, जिस पर पुलिस ने अपने स्तर पर पता लगाया, पता चला तो लड़के को और लड़की को दोनों को बुलाया गया, चूँकि लड़की बालिग है, लड़की की उम्र 25 साल है, पढ़ी लिखी है, दोनों में शादी करने का क्या बोलते हैं इसको अफेयर चल रहा है और ये जो 25 साल की लड़की होने के नाते ऐसा कोई अभी संज्ञेय जुर्म सामने नहीं आया, फिर भी इसकी जांच और अग्रिम अनुसंधान जारी है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई नहीं, ऐसा संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जा रहा है जिसकी जांच जारी है।